वेलकम टू मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में हमने देखा कि टैली में नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, तो अब ये वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आपने पहले से कोई कंपनी क्रिएट की है और उसमें आप कोई अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप नया टैली सॉफ्टवेयर खोलोगे तो आपको ये विंडो दिखाई देगी जिसको हम गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है गेटवे ऑफ टैली, तो यहाँ पर जाके आपको राइट हैंड साइड पे जो एक पूरा लाइन दिख रहा है वहाँ पर सारे शॉर्टकट की जो है वो लिखे हुए हैं। तो फिलहाल हमें जाना है कंपनी इन्फो पे, तो उसका शॉर्टकट की है आल्ट एफ थ्री। ये आल्ट कैसे पता चलता है, तो जब भी कोई एफ थ्री के नीचे अंडर स्कोर हो या अंडर लाइन हो तो उसे आल्ट कहते हैं। मतलब अगर वो की आप शॉर्टकट की आपको यूज करनी है तो आल्ट प्रेस करके वो की प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि डेट के नीचे जो है वो अंडरस्कोर नहीं है या अंडरलाइन नहीं है, तो खाली अगर आपको वाउचर का डेट चेंज करना है या फिलहाल ये आपको टैली का डेट चेंज करना है तो आपको खाली F2 प्रेस करना है। और अगर आपको अकाउंटिंग पीरियड चेंज करना है जैसे फाइनेंशियल ईयर 17-18 और या 18-19 तो आपको आल्ट F2 प्रेस करना पड़ता है। तो फिलहाल हम जाते हैं आल्ट F3 पर, तो यहाँ पर कंपनी इन्फो का टैब आपको दिखाई देता है जहाँ पर आपको पहला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कंपनी का है, क्योंकि टैली ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप कितने भी कंपनियों का डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं। मानो आपके ग्रुप की 10 कंपनीज है तो हर एक कंपनी के लिए आपको नया टैली का वर्जन या नया टैली का सॉफ्टवेयर लाइसेंस कॉपी लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ही टैली सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और उसमें 10 कंपनीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको अगर आप नंबर देते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो आपको पहले नंबर की कंपनी सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी पे जाके वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मान लो आपको 5 नंबर की कंपनी सिलेक्ट करनी है तो वहाँ पर जाके आप 5 नंबर की कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जो भी ओपन हो वो अगर क्लोज करनी है तो आप शट कंपनी में जाते हैं। अगर आपको नई कंपनी वापस क्रिएट करनी है तो क्रिएट कंपनी में जाते हैं। और अगर आपको एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो अल्टर करनी है, तो आप अल्टर में जाते हैं। तो फिलहाल हम वही देख रहे हैं कि कंपनी अल्टर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मुझे मेरी जितनी भी सारी कंपनीज खुली हुई है उसकी लिस्ट दिखाई देगी। फिलहाल तो मेरे पास खाली एक ही कंपनी खुली हुई है, मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस, इसलिए मुझे खाली वही दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं या इंटर प्रेस करते हैं तो आपको ये विंडो दिखाई देती है। तो ये सारा डेटा हमने पहले के वीडियो में ही देखा था कैसे इंसर्ट करते हैं। तो फिलहाल इसमें आप जो कुछ भी चाहे वो एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आपसे कोई प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पर आकर वो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। समझो कि आपने नया ऑफिस कहाँ पर नई जगह खोल लिया है, कि पहले का ऑफिस आपने बदल लिया है, नई जगह शिफ्ट हो गए और आपको कंपनी का एड्रेस चेंज करना है, तो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। आपका जैसा मोबाइल नंबर कभी कभार चेंज हो जाता है तो आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स जो है वो आपके इनवॉइस पे या आपके वाउचर पे, हर डॉक्यूमेंट में आपके कंपनी के नाम के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको ये ज़्यादातर एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही डिटेल्स आपको करेक्ट देना भी ज़रूरी है, मतलब अगर इसमें कोई चेंज हो जाता है तो आपको तुरंत वो चेंज करना आना ज़रूरी है। और यहीं पे जाके हम देखते हैं कि डिलीट कैसे करते हैं। ये मैंने बाहर आ गया हूँ, मैं वापस मैं आल्ट F3 प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं अल्टर कंपनी में जा रहा हूँ, अल्टर कंपनी में मैं मेरी कंपनी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर मुझे ये कंपनी डिलीट करनी है कि गलती से ही ये मेरे मुझसे क्रिएट हो गई थी, तो मुझे ये डिलीट करने के लिए उसका शॉर्टकट की है आल्ट डी। आप चाहिए तो इसको लिख के ले सकते हैं आल्ट डी। अगर मैं आल्ट डी यहाँ पर मेरे कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ तो मुझे ये डिलीट का ऑप्शन पूछता है कि मुझे ये कंपनी सचमुच डिलीट करनी है या नहीं करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर येस दबाता हूँ, वाई की या फिर इंटर दबाता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। इसके सारे नामों निशान जो है वो मेरे कंप्यूटर से उड़ जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। फिलहाल तो मैं नहीं करना चाहता वो, इसलिए मैं एन या नो की जो है वो प्रेस कर रहा हूँ। तो हमने ये वीडियो में देखा है कि आपको हम कंपनी कैसे एडिट करते हैं या फिर उसके डिटेल्स कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कंपनी ही डिलीट करनी है तो वो कैसे करते हैं, वो हमने देख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।